ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएसटी स्लैब को लेकर शहर के दुकानदार गुस्से में हैं। उन्होंने आबकारी विभाग पर आरोप लगाया है कि बेवजह दुकानों पर पेनल्टी डाली जा रही है। दुकानदार विभाग के इस रवैये को सही नहीं मानते हैं। उन्होंने मांग की है कि विभाग इस मामले को स्टेट जीएसटी काउंसिल के पास ही रखे ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। जीएसटी स्लैब को लेकर शहर के दुकानदार गुस्से में हैं। उन्होंने आबकारी विभाग पर आरोप लगाया है कि बेवजह दुकानदारों पर पेनल्टी डाली जा रही है। दुकानदार विभाग के इस रवैये को सही नहीं मानते हैं। उन्होंने मांग की कि विभाग इस मामले को स्टेट जीएसटी काउंसलिंग के पास ही रखे ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। हमीरपुर में व्यापार मंडल के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष अनिल सोनी की अगुवाई में जीएसटी स्लैब की पेनल्टी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल का कहना है कि अभी जीएसटी स्लैब को लेकर दुकानदार अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं रखते हैं कि वे किस स्लैब के दायरे में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में आबकारी विभाग के द्वारा गवर्नमेंट और सूज विक्रेताओं को पेनल्टी डाली है जो कि न्याय संगत नहीं है। साइज ऑफिस में अपनी कुछ समस्याएं लेके एक अपना प्रतिनिधि मंडल आया था, तो एक तो ऑफिस में हमें आज कोई ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं था, तो हमारा इशू था कि कुछ हमारे लोगों को अनड्यू अननेसेसरी पेनल्टीज लगाई गई हैं जिनका हमने उनके साथ आज चर्चा में विषय रखा था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी वो मिलते हैं तब हम सब अपनी समस्याएं हम रखेंगे। पेनल्टी इस तरह की लगाई गई है कि इसमें जो हमारी 1000 रुपये से नीचे जो रेडीमेड गारमेंट्स या शूज़ या और भी कोई आइटम ऐसी आती है उनका जीएसटी स्लैब है 5%। तो हमारे दुकानदार भाइयों का कुछ इशू ऐसा था कि कोई चीज़ हमारे को 990 रुपये जीएसटी पेड अगर हमारी बिलिंग होती है तो उसको हम सेल जब करेंगे तो 12% में फॉल करती है। वो डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने जो चीज़ 5% जीएसटी स्लैब में खरीदी है उसको आपने 5% में ही सेल करना है जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हमारे कुछ लोगों को पेनल्टी लगाई गई है तो उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं तो हमने ये बात रखनी है अपनी। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान अनिल सोनी की अगुवाई में दुकानदार विभाग के आबकारी विभाग के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि विभाग उनकी समस्या को हल करे और जल्द ही व्यापारियों के साथ एक बैठक भी करके इस सारे मामले का निपटारा करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। ये स्टेट जीएसटी काउंसिल में ये लोग ऑफिसर्स लेके जाएं या फिर कोई चीज़ अगर हमारे दुकानदार भाइयों को समझ में नहीं आती है इनकी इनके एंड से जैसे ये समझते हैं कि हमारे को समझ आ रही है उन बातों की तो हमारे लिए को वर्कशॉप अरेंज करेंगे ताकि हमारे लोगों को भी समझ आए और ऐसी परेशानी ना हो। एक तो मंदी में सारा व्यावसायिक दौर गुजर रहा है और उसमें भारी पेनल्टी लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल जैसा काम हो गया और हमारे छोटे दुकानदारों को ये इस तंगी से हमने निजात दिलानी है।